आज कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर इंद्रगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहां पुतला दहन का कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला यहां जला है। पिछले डेढ़ महीने से लगभग जिस प्रकार मौतों को आंकड़ों को छुपाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों के लगे जिनके कारण मरीजों की मृत्यु हुई, और लगातार इंजेक्शनों की कालाबाजारी, अस्पतालों द्वारा मरीजों के परिजनों से मरीजों से लूट खसूट की गई, और सरकार के द्वारा जो मौत के आंकड़ों को छुपाने का काम किया जा रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया था। आज तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इसी तारतम्य में आज कांग्रेस कमेटी ने सभी 12 ब्लॉकों में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन करने का कार्यक्रम आयोजित किया। आज इंद्रगंज ब्लॉक का यहां पुतला दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में अब चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, कोरोना की मार से जनता तड़प रही है, वहीं मध्य प्रदेश की सरकार मरीजों के परिजनों के साथ उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के काम कर रही है, उनके आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही है, और दिन प्रतिदिन महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से, और नकली इंजेक्शन दवाइयों की कालाबाजारी से आम जनता परेशान है। डॉक्टर, जिस डॉक्टर गोविंद सिंह ने सूचना के अधिकार से मौतों के आंकड़े निकाले, क्या उत्तर निकालेंगे क्या? हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके संपर्क कर रहे हैं, और एक एक जानकारी कार्यकर्ता आने वाले समय में पटल पर